हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। ठीक है, तो आज मेरा नाम मोहित मिश्रा है और मैं क्लास 11, 12, जेई बोर्ड, एनडीए और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का मैं यहाँ पे तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 साल से क्लास पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छा अच्छा कोचिंग में पढ़ाया हूँ और यहाँ पे हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक करेंगे। ठीक है, आज इस सिलेबस से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे और अच्छा अच्छा ट्रिक करेंगे, जहाँ से हम लोग जो है सवाल को जो है बहुत कम सेकंड में, ठीक है, 10-15 सेकंड में सॉल्व खत्म कर देंगे। और जहाँ आप कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, आरसीएल उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, अरिहंत उठा लो, ठीक है, सभी से हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ ट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जो हम लोग बहुत 10-15 सेकंड में सवाल को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर वन, जैसे मान लो कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, tan 6 थीटा इंटू tan 12 थीटा इक्वल्स टू 1, हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है cot 12 थीटा। ठीक है, हमको क्वेश्चन में जो है tan 6 थीटा इंटू tan 12 थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, हमको जो है cot 12 थीटा निकालना है। ठीक है, तो जब भी ये tan और cot का ये रिलेशन आएगा, ठीक है, जब भी आपका ये tan और cot का ये रिलेशन आएगा, तो आप ये बात याद रखना। ठीक है, If tan theta 1 into tan theta 2 अगर आपको 1 दे रखा है, या cot theta 1 into cot theta 2 1 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि theta 1 plus theta 2 कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपको tan theta 1 into tan theta 2 1 दे रखा है, तो आप लिख सकते हो कि theta 1 plus theta 2 equal to 90 डिग्री। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हो, अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, tan theta 1 into tan theta 2 1, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे। ठीक है, आपको ये क्या दिया हुआ है, tan theta 1 into tan theta 2 equals to 1, ये कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हमको निकालना है cot 12 theta। क्या निकालना है, cot 12 theta, समझना यहाँ पे। ठीक है, ये हमको क्या है, थीटा 1 है, ये क्या हमको थीटा 2 है। ठीक है, तो हम कंडीशन से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे थीटा 1 कितना है, 6 थीटा, और थीटा 2 कितना है आपका, 12 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 6 थीटा प्लस 12 थीटा कितना होगा यहाँ पे, 18 थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 90, 18 थीटा इक्वल्स टू 90, सो थीटा कैन बी रिटन एज 90/18 डिग्री, राइट, सो थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री। यहाँ से हमको थीटा कितना मिल गया, 5 डिग्री। इस रिलेशन को हम लोग यूज करके यहाँ पे थीटा कितना निकाल चुके हैं, 5 डिग्री। ठीक है, तो हमको निकालना है यहाँ पे cot 12 थीटा, हमको निकालना क्या है, cot 12 थीटा, राइट, हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड cot 12 थीटा, सो इट विल बी रिटन एज cot 12 थीटा, हम लोग निकाल चुके हैं कितना डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, तो 12 5 60, 12 5 60, राइट, 12 5 60, सो इट कैन बी रिटन एज cot 60 degree, एंड cot 60 degree इज नथिंग बट 1/√3, राइट, ओके, सो cot 60 विल बी इक्वल्स टू 1/√3, सो द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1/√3, सो द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1/√3। मतलब ये है कि अगर आपको tan theta 1 into tan theta 2 दे रखा है ऐसे, ठीक है, तो आप ये कंडीशन लिख सकते हो आपके मन के। ठीक है, एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन को जो है बहुत आसानी से खत्म कर देगा। ठीक है, तो आप ये रिलेशन को याद कर लो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, tan theta 1 into tan theta 2 अगर 1 दे रखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर cot में दिया हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, हम लोग जो है इसी पर हम लोग जो है नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझिएगा, हम लोग जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, देखिएगा। सो हम लोग जो है इसी कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग 2-3 सॉल्व करेंगे और यहां से हम लोग पता लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे हमको दे रखा है ये tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 75 degree and tan 70 degree and tan 45 degree, हमको जो है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमको जो है ये रिलेशन दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमको यहाँ इसका निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा, अभी हमने जस्ट बताया यहाँ पे कि tan theta 1 into tan theta 2 हमेशा क्या होगा,
वन होगा कब, जब थीटा वन प्लस थीटा टू कितना होगा 90 डिग्री। अगर हमको ये कंडीशन पता लग जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप देखें यहाँ पे, ठीक है, ये 15 डिग्री और ये 75 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री और ये 75 डिग्री मिला क्या बनाएगा, 15 प्लस 75 कितना बनाएगा 90। मतलब ये हुआ कि ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, ये दोनों का आपका प्रोडक्ट कितना आएगा 1। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो ये 20 डिग्री है, अब ये कितना 70 डिग्री, ठीक है, तो 70 प्लस 20 कितना 90 डिग्री, मतलब दोनों प्रोडक्ट कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा ये कितना आएगा आपका 1 आएगा, और tan 45 कितना होता है, tan 45 इज 1। सो हम लोग का जो आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, ये तीनों किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, तो क्या जाएगा रिजल्ट 1 × 1 × 1 कितना जाएगा 1। ये कॉन्सेप्ट जो है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है आप बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही से याद है तो, ठीक है। अगर आपको tan थीटा 1 × tan A2 अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग जो है इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, राइट। सो जो हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर आपको 90 दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे इसको इसका हेल्प से हम लोग ये दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट फिर से हम लगाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये क्या लिखा हुआ है, tan थीटा 1, राइट, और ये क्या आपका tan थीटा 2, ठीक है, तो ये tan थीटा 1 × tan θ2 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा 90 होगा, राइट। तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन हम लोग समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको tan थीटा 1 tan थीटा 2, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। सो दिस इज 6 थीटा एंड दिस इज 3 थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज 6 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये क्या हो गया आपका 6 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो गया 9 थीटा, सो 9 थीटा कितना आ गया आपका 90 डिग्री, सो थीटा कैन बी रिटन एज 90/9, मीन्स थीटा कितना आ गया आपका 10 डिग्री, थीटा कितना आया 10 डिग्री। हमको निकालना क्या है tan 3 थीटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा, राइट। सो tan 3 थीटा, tan 3 थीटा कैन बी रिटन एज tan 3, हम लोग जो है थीटा का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 10 डिग्री, कितना डिग्री 10 डिग्री, ओके, सो 3 tan जा 30, सो इट इज tan 30 एंड tan 30 इज नथिंग बट 1/√3, सो द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1/√3, सो द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नथिंग बट 1/√3, होप इट्स क्लियर, राइट। तो ये आपका सवाल, इसका जो सवाल का उत्तर क्या आएगा 1/√3 क्या है सवाल का उत्तर है, ठीक है, यहाँ तक देखिए आगे। अब यहाँ पे हम लोग इसी पर हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप जितना समझेंगे वहाँ पे उतना काम आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हर जगह पूछा हुआ है, ठीक है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो या कोई आप जेई मेन या किसी भी सवाल को ले लो, ये आपको कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं, फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है tan थीटा 1, अब ये क्या आपका tan थीटा 2, ये आपका क्या है tan थीटा 1, ये क्या आपका tan थीटा 2, ठीक है, तो ये tan थीटा 1 tan थीटा 2 कितना 1 है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा 90 डिग्री, सो यहाँ पे क्या होगा फिर से थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे थीटा कितना है आपका, थीटा 1 कितना है x + y और थीटा 2 कितना है x − 1, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज x + y + x − y equals to 90 degree, right? So this minus y and plus y gets cancelled out, right? So this gets cancelled out, so x plus x gives 2x. So 2x equal to 90 degree. So x equal to 90/2 means 45 degree, correct? हम लोग जो है यहाँ से x का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री, समझ में आया बात यहाँ तक। तो हमको निकालना क्या है tan 2x/3, हमको जो है tan 2x/3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग x कितना निकाल चुके हैं 45, हमको यहाँ से लिख देंगे tan 2x/3 हमको निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan 2x कितना है 45/3, सो ये 15 × 3 = 45, सो 15 × 2 = 30, मतलब इसका वैल्यू जो आएगा कितना आएगा tan 30, एंड tan 30 इज नथिंग बट 1/√3, राइट। सो द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1/√3, होप इट्स क्लियर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये बात समझे कुल मिलाकर कि अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है तो आप tan थीटा 1 into tan थीटा 2 इक्वल टू 90 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, या cot थीटा 1 into cot थीटा 2 इक्वल टू 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, ठीक है, इसका जो है कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप जितना समझ सकते हो
प्रैक्टिस करो इस पर, आपको सवाल जो है प्रैक्टिस करने के बाद ये सवाल जो है 10 से 15 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा, 10 से 15 सेकंड में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर दैट आप इसको प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करो, ठीक है, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू, अगर 90 डिग्री है तो आप यहाँ से कर सकते हो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इक्वल्स टू 1, या कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग अभी समझे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाया उसको देखो, स्क्रीनशॉट लो और इसको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो इसको कमेंट करो, हम इसको रिप्लाई करेंगे या फिर से आपको यहाँ पे सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो इसको फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी देख सके और हम अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे और लेके आएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक से एक एडवांस वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे जो आपको क्वेश्चन को जो है बहुत हल्का में खत्म कर देगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय।